हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस टू के अंदर थर्ड चैप्टर के ए पार्ट पे हैं। थर्ड चैप्टर के ए पार्ट में अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। अब आप समझिए बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, इसको किसने दिया, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, 1820 में दिया था। फ्रांस के साइंटिस्ट थे पहले, फर्स्ट इज जीन बायोट, सेकेंड इज फेलिक्स सैवर्ट। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर के इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें बताई थी और मिलकर के इसके बारे में जो कंक्लूजन था वो हमें एज ए रिजल्ट की फॉर्म में इन्होंने हमें दिया। इस लॉ को हम लैपलेस लॉ के नाम से भी जानते हैं और एम्पियर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट फेमस नेम है वो बायोट-सावर्ट लॉ ही है। तो आप समझिए बायोट-सावर्ट लॉ में जीन बायोट पहले साइंटिस्ट, फेलिक्स सैवर्ट, इन्होंने हमें क्या बताया, इसके अंदर हमें क्या डिस्कशन करना है, इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट हो तो उस कंडक्टर में जो करंट है उस करंट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आज हमें पढ़ना है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट हो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कैसे वहां पर उसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, वहां पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हमें यहां पर आज डिस्कस करनी है। सो लेट स्टार्ट विद बायोट-सावर्ट लॉ। समझिए हम लोग यहां पर एक कंडक्टर कंसीडर कर लेंगे। ये लीजिए, ये हम लोगों ने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, इस कंडक्टर को हमने नाम दिया दिस इज ए बी कंडक्टर। ये ए पॉइंट है, ये रहा, ये बी पॉइंट है, ये रहा, और इसको हमने कहा दिस इज ए बी कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो लीजिए इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर को हम कह सकते हैं दैट इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर इसके अंदर हमने करंट कहा, आई करंट इसके अंदर है। अब आप देखिए अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए ये हमें कंडक्टर दे रखा है, इस कंडक्टर के अंदर करंट है और उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट हमारे पास P पॉइंट है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब समझिए आपके पास कंडक्टर ये रहा, इसमें करंट है और जो करंट है दैट इज फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। बायोट-सावर्ट लॉ में बायोट-सावर्ट ने ये समझा दिया कि अगर आपके पास इतना बड़ा कंडक्टर है, बड़े कंडक्टर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी नहीं आती, उनके पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कंडक्टर बहुत छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल कंडक्टर हम ले लें, तो उस वेरी वेरी स्मॉल कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना चाहे तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडक्टर बड़ा हो, उसमें करंट हो, तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी नहीं आती। तो हम एक काम करते हैं, ये तो बड़ा कंडक्टर है, इसकी वजह से करंट, इसमें जो करंट है उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी नहीं आती। हम इस कंडक्टर का बहुत छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे और उस पार्ट में भी उतना ही करंट होगा
जितना करंट इस कंडक्टर में है। क्योंकि एक बात देखिए, अगर किसी वायर में 10 एम्पियर का करंट है तो वायर के छोटे पोर्शन में भी 10 एम्पियर का करंट है, पूरी वायर के अंदर भी 10 एम्पियर का ही करंट है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, और जो छोटा सा पार्ट लिया है वो छोटा सा पार्ट मैंने यहां पर कह दिया, लीजिए यहां से इस पोर्शन से और यहां तक का पार्ट हमने कंसीडर कर लिया, ये लीजिए यहां पर हमने इसको कहा है, इसके अंदर जो करंट है दैट इज आई करंट, और इस छोटे से पार्ट की लेंथ हमने ले ली दैट इज डीएन, ये लीजिए। तो आगे चलिए, हम लोगों ने ये छोटा सा कंडक्टर ले लिया, इस बड़े ए भी कंडक्टर का छोटा सा पार्ट हमने लिया, इसकी लेंथ डीएल है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस आई करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आप यहां से एक लाइन इस पॉइंट पर ले जाएं, ये लीजिए आप यहां पर एक लाइन इस पॉइंट से ले गए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आगे चलिए, ये एक एंगल आपने लिया, याद रखिएगा हमेशा इसमें जो एंगल लिया जाएगा वो हमेशा ऊपर वाला एंगल लिया जाएगा, यहां पर आपने एंगल लिया दैट एंगल इज थीटा। आई रिपीट द थिंग्स, ये बड़ा कंडक्टर था, इसका छोटा सा पार्ट आपने लिया, उस छोटे से पार्ट के अंदर आई करंट है, बड़े कंडक्टर में भी आई करंट है, छोटे से पार्ट में भी आई करंट होगा, इस छोटे से पार्ट की लेंथ हमने डीएल कही, और इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पी पॉइंट पर यहां पर ली है, यहां से हमने एक डिस्टेंस इस तक ले लिया, अब आप यहां से लेके यहां तक बीच में से कहीं से भी डिस्टेंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर एंगल थीटा बन गया, अब आप समझिए इस कंडक्टर की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड को कहा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी हमने ले ली है। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हमने आर कहा, अब आप समझिए बायो सेवर्ट लॉ में बायो सेवर्ट ने ये कहा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगी ड्यू टू दिस करंट, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर बनेगी ड्यू टू दिस आई करंट, that magnetic field is dB and that magnetic field is directly proportional to I. ये magnetic field जो यहाँ पर बनेगी वो current के directly proportional है। आगे चलिए, जो magnetic field बनेगी वो magnetic field conductor की length के भी directly proportional है। आगे चलिए, जो magnetic field यहाँ पर बनेगी वो magnetic field जो ये angle theta है इसका अगर हम साइन ले लें तो इस साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे चलिए, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड जो ये डिस्टेंस लिया इस डिस्टेंस का यहां पर आपने 1/r² किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप समझ लीजिए ये कंडक्टर आपने लिया छोटा सा, बड़े कंडक्टर का पार्ट है ये, इसके अंदर करंट आई है, इस छोटे कंडक्टर की लेंथ डीएल है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहां पर एंगल थीटा लिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बनेगी दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द थीटा बिटवीन दिस इस पोर्शन और यहां इस लाइन के बीच में जो एंगल थीटा बना उसका साइन थीटा हमने यहां पर लिया, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हमने यहां पर कह दिया। यू कैन आल्सो से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो यहां पर हम कहेंगे दिस इज डीबी इज directly proportional to I dl sin theta, ये रहा upon में r square हमने यहां पर लिया, ये रहा। आगे चलिए, dv is equal to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम कांस्टेंट लगा देंगे, दैट कांस्टेंट इज के इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास यहां पर है। ये जो के है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो के हमने लिया है दिस के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और सुनिए, ये जो के हम यहां पर लेंगे दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये जो के हम यहां पर लेंगे ये कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा। पहली बात देखिए ये किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात ये जो के हम लेंगे ये के डिपेंड करेगा यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, जो यूनिट का सिस्टम आप यूज करोगे ये उस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात ये यहां पर जो आपने कंडक्टर लिया ये रहा और कंडक्टर में जो करंट है वो ये रहा, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर और जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनके बीच में जो मीडियम है इस मीडियम पे भी डिपेंड करेगी इस के की वैल्यू। तो आप कह सकते हो पहली बात के की वैल्यू डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, दूसरी बात के की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पे। तो लीजिए यहां पर हमने इसको मीडियम पे कहा, मीडियम किस किस के बीच में है, ये कंडक्टर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो मीडियम लेंगे उस पर भी डिपेंड करेगी के की वैल्यू। और सुनो अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां से एक बात और है, ये जो के है इस के की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और सुनिए यहां पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है 10^-7, दिस इज 10^-7, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है किसकी, के की। और सुनिए ये किसके बराबर होती है, ये इक्वल होती है, यहां पर यूनिट इसकी होती है दिस इज टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट बनती है। आगे चलिए अगर हम और देखें तो उसमें ये वाली टर्म कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं, दिस इज म्यू नॉट, ये है म्यू नॉट होती है दिस इज कॉल्ड, याद होगा आपको एप्सिलॉन नॉट होती थी एक, इट वाज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये होती है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, दिस इज एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहो या स्पेस कहो, तो दिस इज म्यू नॉट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, ये स्पेस की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है। तो चलिए अब हम यहां पर इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं दैट डीबी इज इक्वल टू के की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आगे चलिए ये वाली वैल्यू हमने यहां पर लिखी, साथ में क्या है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने यहां पर कंप्लीटली इसको लिख दिया है इस तरीके से। सो आपके पास यहां पर आ गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको बीच में एक बात और बता दूं, अगर हम इस म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से हम म्यू नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर बताओ 4 pi × 10^-7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, इस तरह से हम यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू भी लिख सकते हैं।
सो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से अगर आपके पास एक बहुत छोटा सा कंडक्टर दे रखा है जिसको कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन पे भी फोकस करते हैं तो देखिए पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को कुछ वैल्यूज बताई है, बायोट सैवोट ने कुछ रूल्स हमें बताए हैं जो आज तक हमने पढ़े हैं, उन रूल से थोड़ा सा डीपर रूल उन्होंने हमें बताया ताकि हम इसके अंदर इसकी बी यानी कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सके और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सके। तो सुनिए यहां पर जो टर्म आपको दिखाई दे रही है दिस इज आई एंड दिस इज डी एल। यहां पर जो ये डीएल है ये कंडक्टर की लेंथ है, बट आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी मैटर करती है। करंट की डायरेक्शन यहां पर इस तरफ है, हो सकता है करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आप जानते हैं क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता, दैट्स व्हाई करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बायोट सैवोट ने यह कहा कि कभी आपको यहां पर आई और डी एल अगर आप मिला दो, यानी कि ये करंट है और ये डी एल इस कंडक्टर की लेंथ है, तो उस केस में अगर कभी आप आई और डी एल को मिला दो तो आप हमेशा इसको लिखेंगे दिस इज आई डी एल वेक्टर। तो ये उस केस में वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी, यानी कि ये रही, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। और सुनिए जितने डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दिस डिस्टेंस इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, हम इस डिस्टेंस को भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही कंसीडर करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट दिस आर कैन बी टेकन एज आर वेक्टर। तो सुन लीजिए I और DL जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में IDL को हम एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। यहां पर IDL इस तरफ है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ हम IDL को ले लेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे होती तो IDL का प्रोडक्ट हम नीचे की तरफ लेते। आगे चलिए दूसरी बात जो मैंने बताई दैट इज R, ये भी आपने एक वेक्टर क्वांटिटी ही कंसीडर करनी है। तो ठीक है आपने R को भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही लिखा है। अब देखिए अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग तरीकों से हमें इसको सोल्व करना है, इसलिए मैं आपको पहले ये सब बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपने लिखा है। अब आप समझिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप वो समझिए दिस इज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपने ये लिखा, यहां पर आई डी एल डेफिनेटली ये भी है, आर से आप मल्टीप्लाई कर दें और आपने यहां पर साइन थीटा लिखा, आर से ही आप डिवाइड कर दें, पहले यहां पर आर का स्क्वायर है आप आर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, आर से डिवाइड करते ही यहां पर आर का क्यूब आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये रही, ये दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है ये रही और साथ में यहां पे साइन थीटा है। तो आप सुन लीजिए आई रिपीट अगेन, एक वेक्टर क्वांटिटी ये रहा आई डी एल ये रही, दूसरी ये रही और साइन थीटा ये रहा। तो आपके पास ये कुछ ऐसा आ गया दैट इज ए बी साइन थीटा। जब कभी ऐसा हो तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सुन लीजिए आपके पास
ये हो गया जस्ट लाइक ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया साइन थीटा। तो आपने यहां पर लिखा है दिस इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा। आगे चलिए इसको लिख सकते हैं दिस इज आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आपने ऐसे लिखा अपॉन में, यहां पर आपने आर का क्यूब लिखा, ये आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है इस तरीके से। चलिए अब हम यहां से और आगे चलते हैं। सो आपने इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ये लीजिए भाई, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड को अब वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। सो यहां पर हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को और भी तरीकों से कैलकुलेट करना जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे हम लोगों को यहां पे 2-3 फॉर्मूले डेवलप करने पड़ेंगे। सो, आप सेकंड पॉइंट समझिए, हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में और इस तरीके से लिख सकते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसको आप यहीं पर ध्यान से देखिए, जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो ये वाला है, जो चेंजेस हम करेंगे वो इसमें करेंगे, और ये हमारा पहला फॉर्मूला आया है वेक्टर फॉर्म में। तो ठीक है, ये हमने पहला लिखा, अब हम सेकंड लिखते हैं। इसको भी ध्यान से समझिए कैसे आपको करना है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए आपके पास एक टर्म थी जिसको हम जे से डिनोट करते थे, इसका नाम था करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी होती थी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इन द कंडक्टर। तो ये थी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इन द कंडक्टर, और ये जो जे यानी कि करंट डेंसिटी थी ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ठीक है, हमने लिखा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, हमने इसको यहां पर लिखा है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर हम इसको डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे और डीएल से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आगे, अब यहां पर क्या है इसको सुन लीजिए, दिस इज आई डी एल अपॉन आई डी एल, तो हमने लिखा ए इंटू डी एल, क्या है दिस इज ए स्टैंड फॉर एरिया, डी एल स्टैंड फॉर लेंथ, तो ए इंटू डी एल हो गया वॉल्यूम। तो चलिए आगे, दिस इज डी बी, हमने यहां पर लिखा है। आगे सुनिए और कैसे लिख सकते हैं आप, अगर जे इज इक्वल टू आई इंटू डी एल अपॉन डी बी लिखा, तो यहां से बताइए आप आई इंटू डी एल को क्या लिख सकते हैं, दिस इज जे इंटू डी बी, ये आपने यहां पर लिखा है। तो चलिए और क्या लिखेंगे आप, ध्यान से देखिए, यहां पर आप जो ये आई इंटू डी एल है, इस आई इंटू डी एल को हटा के आप जे इंटू डी बी लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आई डी एल की जगह जे इंटू डी बी यहां पर पुट कर दूंगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए क्या बना, दिस इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा। आई डी एल को हटा के हमने लिखा दिस इज जे इंटू डी बी इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब, ये हमने लिखा। यहां से इस डी बी को मैं बाहर लिख देता हूं, तो जे यहां लिखा, डी बी को मैं यहां लिख दूंगा इस तरीके से। अब आप बताइए ये आपके पास क्या बना, आप देखिए ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा दिस इज ए क्रॉस बी बन गया, तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा। जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आगे बढ़िए, इंटू डी बी अपॉन आर का क्यूब, ये आपके पास आया, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, ये आपने यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो लीजिए आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को
अब हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब हम और देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आया है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट और बताऊंगा जहां हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो आप अब देखिए और हमारे पास क्या है जिसमें हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। आपको ध्यान से इसको समझना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सुनिए, आप यहां पर अब थर्ड पॉइंट की तरफ आइए। जो थर्ड पॉइंट हमारा, यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो तीसरा टाइप कैसे होगा। पहले हमने लिखा db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl क्रॉस r वेक्टर हमने लिखा। दूसरा हमने j वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखा है। तीसरी बात अगर हम यहां पर करते हैं तो थर्ड देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। आप सुन लीजिए, आपको पता है यहां पर idl ये रहा, ये idl हमने लिया, तो idl हमने यहां पर लिखा। आप जानते होंगे ये जो i होता है that is equal to q upon t, जो करंट होता है ये होता है this is q upon t, साथ में यहां पर क्या है this is dl। अब आप एक बात बताइए, ये है dl, dl मतलब डिस्टेंस, ये है t मतलब टाइम। तो आप सोच के बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सुनिए मैंने क्या कहा था, जिस तरफ ये वेक्टर, जिस तरफ ये कंडक्टर होगा उस तरफ को हम वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। तो आप इसको अगर एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेकर चलते हैं dl को भी, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारे पास बनती है वेलोसिटी। तो आप चाहें तो इसको यहां से हटा दीजिए और इसको हटा के हम यहां पर लिख देंगे q, तो एज इट इज है, इसको हटा के हमने लिखा दिस इज वेलोसिटी। तो i into dl is equal to q into v, ये आपने यहां पर लिखा है। चलिए अब हम इसके थर्ड केस में कैसे लिखेंगे, दिस इज db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा i, dl की जगह आप q into v लिख सकते हैं, दिस इज q into v, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। आगे चलिए, this is r, this is sin theta upon r का cube। आगे चलिए, यहां से ये q आपने बाहर लिखा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये v है, ये r है, ये sin theta है, तो आप यहां पर देख सकते हैं this is mu naught upon 4 pi, ये रहा। इस q को हम बाहर निकाल देंगे, this is v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये हमने लिखा अपॉन में, यहां पर आया है r का क्यूब। तो देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में यहां पर एक और आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q इंटू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r का क्यूब, ये आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को लिखा है वेक्टर फॉर्म में। तो ये तीसरा टाइप है जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब हम इससे आगे चलते हैं, अब हम इसके स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास, जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये रहा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको लिखने का अपना अपना अलग अलग रीजन है। आगे चलिए अब हम और देखते हैं, अब हम यहां पर देखेंगे कि इसके अगर हम बायोट सैवर्ट लॉ के अगर हम स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं, तो बताइए यहां पर बायोट सैवर्ट लॉ के स्पेशल केस हमारे पास क्या बनेंगे और उसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है। तो सुनिए, अगर हम इसका पहला स्पेशल केस देखें तो समझिए पहले स्पेशल केस में हमें क्या करना है। सुनिए, पहला केस, अगर थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री तो क्या होगा, यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो हमारे पास क्या बनेगा। तो सुनिए, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, अब ध्यान से सुनना,
ये जो थीटा आपके पास है, जैसे ही हम इसको नीचे लेके जाएंगे थीटा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अगर हम जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे थीटा डिक्रीज होगा। और यहां पर अगर आ गए, यानी कि ये पी पॉइंट अगर यहां पर आ गया, तो उस केस में थीटा शुड बी जीरो डिग्री। और अगर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो गई, जीरो। तो आप इस बात को याद रखिए कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप उसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। आगे चलिए, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर ये थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, तो उस केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या होगा, तो सुन लीजिए, उस केस में डीबी इज इक्वल टू, यहां पर आप पुट करेंगे साइन ऑफ 90, साइन 90 वन होता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को लिखा है, इन सिंपल यहां पर स्पेशल केस आपने बनाया है। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है, हालांकि मैं थर्ड पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूं, वो ये है कि अगर आप आई डी एल को मिला देंगे तो ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है, और इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन क्योंकि कंडक्टर बहुत छोटा है और उसमें करंट भी है, और कंडक्टर इतना छोटा है दैट इट कैन बी कंसीडर एज ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट है। यानी कि देखिए, एलिमेंट कोई केमिस्ट्री का वर्ड हमें यूज नहीं करना, बहुत छोटा, जो कंडक्टर का बहुत छोटा पार्ट होगा उसको हम यहां पर एलिमेंट का नाम देंगे, एंड दैट कंटेन्स करंट ड्यू टू विच इट इज नोन एज करंट कैरिंग एलिमेंट। ये हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, अगर हम निकाले तो समझिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। तो सुनिए, हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, समझिए कैसे करेंगे आप ऐसे केस में, सबसे पहले ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अब इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, दैट इज राइट हैंड पाम रूल, वो क्या है, वो कहता है आप कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रिप करें और इस तरीके से ग्रिप करें कि जो आपका थंब है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए, करंट ऊपर की तरफ है, तो आपने कंडक्टर को अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ा, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ आपने अपना अंगूठा लिया। अब आप समझिए, यहां से आपकी फिंगर अंदर की तरफ जा रही है और इस पॉइंट पे आपकी फिंगर बाहर आ रही है। अब आप ये समझिए, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, अगर आप कंडक्टर को हाथ में पकड़े तो उस तरफ आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जाती हुई फिंगर्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दैट टेंजेंट विल गिव दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सुनिए, अंदर की तरफ जाती हुई फिंगर्स पे टेंजेंट बनाओगे, वो टेंजेंट भी अंदर ही जाएगा, दैट्स व्हाई यहां पर, यानी कि इससे इस तरफ कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे दैट विल बी इनवर्ड, और यहां से इस तरफ कहीं पर भी निकालोगे फिंगर्स बाहर आ रही है तो उस केस में डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। ये हमारे पास केस आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका मेथड है टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट सैबोट लॉ। यहां पर हमारा बायोट सैबोट लॉ फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोट सैबोट से लिंक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम बायोट सैबोट से लिंक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करनी है। सो आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, जो प्रॉब्लम आपको आए वो आप व्हाट्सएप करके पूछते रहिए।
ऑल द बेस्ट।